गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब आए आपके बड़े होंगे। मैं भी एकदम मस्त होते गए। एक नए दिन के नए शुरुआत के साथ साथ आज का व्लॉग भी स्टार्ट हो गया। तो बने रहे वीडियो में, दिखाते हैं आज के दिन की एक्टिविटी क्या क्या होने वाली है। मौसम की बात कर तो मौसम में थोड़ी बहुत गर्मी हो रही है दो दिन से यार। पहले तो थोड़ी बहुत ठीक ठाक था मौसम, तो दो दिन से गर्मी थोड़ा ज़्यादा हो रही है। तो बने रहे वीडियो में, दिखाते हैं आज के दिन की एक्टिविटी क्या क्या होने वाली है। तो व्लॉग की शूटिंग तो स्टोर रूम से हो रही है, होटल से। तो देख सकते हैं आप लोग क्या होने वाला आगे का प्रोसेस। तो चलते हैं आगे के वीडियो में, तो बने रहिए ब्लॉग में, देखिए क्या होता है। तो गाड़ी देख सकते हैं आप लोग, मैं आ चुका हूँ रेस्टोरेंट में। यहाँ पे आज जो परसों मैंने आपको पार्टी हॉल दिखा रहा था उसकी डेकोरेशन हो रही है आज दोबारा से। देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावर लग रहे हैं स्टेज के बैक सपोर्ट में। अभी शुरुआत हो रखी है, तो चलते हैं अभी किचन की और बाकी बाद में दिखाएंगे। तो देख सकते हैं किचन में आते ही देखा कि यहाँ पे लग रहा है शाही पनीर। ये बन रहा हमारा शाही पनीर। तो देख सकते हैं ये बन गया शाही पनीर। तो चलते हैं अब हॉल में, देखते हैं कि कितनी डेकोरेशन हो रखी है। शाही पनीर रेडी हो चुका है, तो चलते हैं हॉल में। किचन में चलते हैं, तो किचन में यहाँ पे देखा तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर आ रखा है। ये बन रहा है मलाई कोफ्ता, मलाई कोफ्ता पिकअप हो रहा है, देख सकते हैं। ये है कढ़ाई पनीर की कटिंग, देख सकते हैं। किचन में कोई नहीं है अभी, ये दिक्कत है। और ये छत में आया तो मैं यहाँ पे देखा मैंने कि नारियल तोड़ रखी है। ये है नारियल के छिलकर। अगले दिन मैंने दिखाई थी ना आपको कोकोनट चटनी, तो जो नारियल तोड़े जाते हैं इसी में से तोड़ के चटनी बनाई जाती है नारियलों की। ये देख सकते थे अभी पूरा कट्टा है, ये साबुत नारियल है, ये देख सकते हैं आप लोग। इन्हीं को तोड़ के इनमें से नारियल निकाल के उसकी कोकोनट चटनी बनाई जाती है डोसे के साथ में। और किचन में आया तो यहाँ पे बन रहा है प्याज का मसाला, जो कि डोसे में लगाने के लिए बन रहा है, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि प्याज को काफ़ी देर पकाना पड़ता है, एकदम से तो बनेगा नहीं, धीमी धीमी आंच में पकाना पड़ेगा। तेज़ आंच करके प्याज जलने का डर रहता है, जिसमें से कि स्मेल जल्दी आती है, स्मेल और ख़राब भी जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको धीरे धीरे आंच में पकाएंगे। देख सकते हैं आप लोग इसमें कुछ हरे हरे पत्ते दिख रहे हैं, तो वो अभी इसमें कड़ी पत्ता डाल रखा है। बाकी मसाले बाद में डालेंगे, क्योंकि पहले प्याज को अच्छी तरह भून लेते हैं, देख सकते हैं। इसको बनाने के बाद जो फाइनली रेडी हो जाएगा, तो इसके बाद इसको साउथ इंडियन के मतलब डोसा का जो मसाला होता है आलू का, उसमें मिक्स करेंगे। प्याज का मसाला और आलू को एक साथ मिक्स करके डोसे के साथ जो मसाला जाता है वो रेडी होगा। तो प्याज अभी पक रहा है धीरे धीरे, तो चलते हैं आगे की ओर। आगे क्या हो रहा है वो भी देखते हैं। प्याज को पकने देते हैं धीरे धीरे। यहाँ पे हो रहा है सांभर गरम, देख सकते हैं। अभी इवनिंग टाइम है, तो यहाँ पर सांभर गरम हो रहा है शाम के लिए, देख सकते हैं आप लोग। ये बन रही है स्टाफ चाय। चाप की चाय क्या बन, चाय तो आधे लोगों ने पी लिए। तो अब ये देख सकते हैं जो मैंने मसाला दिखाया प्याज का, उसमें डालेंगे ये चना दाल और उड़द धुली, और ये है मिर्च और जिंजर चॉप कर रखा है उसमें डालने के लिए, अदरक और मिर्ची चॉप कर रखे। और ये सांभर की सब्ज़ी है, जो कि अभी सांभर में डालेंगे थोड़ी बहुत।
थोड़ी सारी सब्जी डाल देंगे, मतलब कि थोड़ी बचा रखी थी सारी उसमें पलटेंगे। अभी देख सकते हैं मैंने बोला था आप लोगों को कि वो मसाला आलू में डालेंगे, आलू को छिलकर के ऐसे मैच करके इसके ऊपर मसाला डाल के इसे मैरिनेट किया जाता है। तो अभी दिखाएंगे वो सब चीज़ आपको, बने रहे वीडियो में, क्योंकि अभी आलू को मैच किया जा रहा हाथों से, देख सकते हैं, बने रहे वीडियो में। तो देख सकते हैं फाइनली ये जो मसाला, अभी मैंने प्याज दिखाया आपको भूनते हुए, ये मसाला डालने के बाद सबसे मसाले जो वगैरह पड़ जाते हैं उसके बाद मैरिनेट होने के बाद कुछ इस तरह का बनता है जो रेडी होता है। तो इसको अभी आलू में पलटेंगे, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आलू में पलट दिया है। अब आलू को और मसाले को एक साथ मिक्स करेंगे, देख सकते हैं आप लोग, बने रहे वीडियो में। काफ़ी टाइम तक जिस तक नीचे से गैस ऑन कर रखे, इसको पूरा मिक्स करने के बाद, पूरा गर्म करने के बाद इसको एक बर्तन पे उठाएंगे, स्टोर करेंगे, मतलब कि एक बर्तन पे, देख सकते हैं मसाला डोसा का मसाला रेडी हो रहा है। क्योंकि एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा है, दूसरे हाथ से चला रहा हूँ मैं आलू को, तो वीडियो बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, फ़ोन हिल जा रहा है मेरा। फ़ोन को साइड में रख के बनाऊंगा, मैं फ़ोन को साइड में रखूंगा, उसके बाद मसाला रेडी करूंगा जल्दी से। फ़ोन को साइड में रख देता हूं मैं, उसके बाद दोनों हाथों से मसाला को मिलाता हूं। रख दिया मैंने फ़ोन को साइड पे, तो अब जल्दी से मसाला बना लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। देख सकते हैं मसाला रेडी होने वाला अभी थोड़ी देर में। गैस बंद हो गई थी तो गैस चला रहे हैं सेफ साहब, और ज़रूर बताना कि मसाले की रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को, कमेंट ज़रूर करना। और दोस्तों जो भी नए आते हो चैनल पे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। देख सकते हैं फाइनली मसाला रेडी होने वाला है। अब हमने दोनों मसाले को एक साथ मिक्स कर दिया, और बॉल को वॉश करने के बाद उसी बॉल पे मसाले को उठाएंगे। देख सकते हैं आप लोग फाइनली मसाला रेडी हो चुका है हमारा। ये पहले कैसा था, मसाला मिलाने के बाद मैरिनेट होने के बाद कुछ इस तरह का आकार आया, कलर काफ़ी अच्छा टेस्ट के अनुसार। तो देख सकते हैं यहाँ पर बॉल भी फाइनली रेडी हो चुका है हमारा, ये काफ़ी अच्छा स्टेज बना है, देख सकते हैं। कमेंट करना कैसा लगा आप लोगों को डेकोरेशन, फूलों की सजावट। ये है सोफ़ा, स्टेज सोफ़ा। कमेंट ज़रूर करना जो भी चीज़ आपको गलत लगे तो इस चीज़ के बारे में, या फिर जो भी आपको सही लगे उस चीज़ के बारे में ज़रूर कमेंट करना दोस्तों। तो चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।